इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। अब दावा ये किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है। वैगनर ग्रुप के चीफ ने इस बात का दावा कर दिया है कि उसके 25,000 लड़ाके मोर्चा लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये लड़ाके किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। उधर वैगनर के इरादे को देखते हुए मॉस्को में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो वहीं रोस्तोव के गवर्नर से लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की भी अपील की है। यानी कि रोस्तोव ये वो जगह है जहां पर जानकारी ये है कि उसकी सीमा में घुस गए हैं। ये सबसे शहर जो रूसी आर्मी है उसके लिए कहा जाता था। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। वैगनर ग्रुप आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है, यानी कि अब बख्शा नहीं जाएगा, ये वैगनर ग्रुप ने तय कर लिया है। और उसी का नतीजा आप देखिए, बताया ये जा रहा है, जो वैगनर ग्रुप के चीफ ने दावा किया है कि 25,000 लड़ाके मोर्चा लेने के लिए अब तैयार हो चुके हैं और ये लड़ाके किसी भी हालात से निपटने के लिए मुस्तैद रहेंगे। यानी कि अगर रूसी सेना भी हमला करती है तो वो अपनी जान भी देने को तैयार रहेंगे, लेकिन अब छोड़ना नहीं है, इस बात की कसम खा ली है। और उधर देखिए, वैगनर के इरादे को देखते हुए मॉस्को में भी हाई अलर्ट पूरी तरीके से कर दिया गया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रोस्तोव में रूस की सेना मुख्यालय की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जहां लड़ाकों ने सेना मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। मुख्यालय के बाहर वैगनर के लड़ाके जगह जगह हथियार से लैस नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये रोस्तोव है जो रूस के लिए सबसे अहम माना जाता रहा है। रूस की सेना मुख्यालय की कुछ तस्वीरें जो सामने आई है वो इस वक्त एक्सक्लूसिवली हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लड़ाके आपको नजर आएंगे। अब दावा ये है कि लड़ाकों ने सेना मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है और यही सबसे बड़ा पुतिन का डर था, जिसको लेकर सोर्सेस ये बताते हैं कि आपात बैठक बुलाई गई। इस स्थिति से कैसे निपटा जाए उसकी तैयारी पुतिन कर ही रहे थे कि अब खबर यह है कि मुख्यालय के बाहर वैगनर के लड़ाके जगह जगह हथियारों से लैस नजर आए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। वैगनर ग्रुप ने विद्रोह की ठानी है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पुतिन के खिलाफ कैसे बगावत हुई है, जिसे न्याय की लड़ाई नाम दिया जा रहा है। एक तस्वीर में आपको नजर आएगा ये वैगनर ग्रुप के लड़ाके जो अपनी पोजीशन लेते हुए, और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये अभी तक दावा ये किया जा रहा है कि ये सेना मुख्यालय है, जिसके भीतर भी प्रवेश करने का दावा है, जिसके बाहर भी लड़ाके अपनी पोजीशन लेने को, किसी भी हालात से निपटने को पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है। और दावा यह है कि 25,000 लड़ाके, जो 25,000 लड़ाके हैं वैगनर ग्रुप के, वो इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जगह जगह ऐसी गाड़ियां भी नजर आएंगी जो हमले के लिए तैयार है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब पहली ये तस्वीर आप देखिए, आपको ये नजर आएगा ये वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं जो अपनी पोजीशन ले रहे हैं। ये तस्वीर सबसे खतरनाक है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जगह बताया जा रहा है सेना मुख्यालय है, जिसके भीतर भी जो ये लड़ाके हैं वो प्रवेश कर चुके हैं, बाहर भी पोजीशन ले ली है। यानी कि अगर पुतिन की सेना यहां पर पहुंचती है, इन पर हमला किया जाता है, तो भी ये डरने वाले झुकने वाले नहीं है। ये तस्वीर आप देखिए, और दूसरी तस्वीर एक और भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर नजर आएगा जगह जगह जो बख्तरबंद गाड़ियां वो भी अब लग चुकी है। यानी कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अब वैगनर ग्रुप के लड़ाके पूरी तरीके से तैयार हैं, और इसीलिए येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि ये मोर्चा संभाल चुके हैं, अगर कोई भी स्थिति यहां पर आएगी तो वो निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं जो आपको अपनी पोजीशन यहां पर आपको लेटे हुए नजर आएंगे कि अपनी पोजीशन में है कि अगर सामने से कोई हमला किया जाता है तो कैसे वो उससे पहले हमला कर दे, यानी कि वो अपनी पोजीशन में पूरी तरीके से तैयार रहे। और ये तस्वीरें इस बात को भी बयां कर रही है, क्योंकि रूसी मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है, मॉस्को में हाई अलर्ट है। मॉस्को की सीमा अब बताया जा रहा है बहुत दूर नहीं रह गई। हालांकि एक दावा यह भी है कि इस मुख्यालय के जो सेना मुख्यालय है उसके भीतर भी जो लड़ाके हैं वैगनर ग्रुप के, वो प्रवेश कर चुके हैं। अब ऐसे में कब्जे का डर इस वक्त पुतिन को सता रहा होगा, न सिर्फ कब्जे का बल्कि सेना का तख्ता पलट गया। यहां से करने की अगर कसम खाई है तो फिर कितना खतरनाक है पुतिन के लिए हो सकता है, और इसीलिए पुतिन पूरी तरीके से अपनी आर्मी को भी तैयार करने की कोशिश कर रहे होंगे। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो सबसे खतरनाक है, जो ये मंसूबों को बता रही है, जो ये बयां कर रही है कि अब येवगेनी प्रिगोजिन ने ये कसम खा ली है कि वो झुकेंगे नहीं, जो बदले की आग इस वक्त उनके तमाम लड़ाके जब मारे गए हैं तो बदले की कैसे उन्होंने कसम खाई है, ये तस्वीर आप देखिए। और दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, ये वो जगह है जहां पर आपको ये लड़ाके आगे बढ़ते हुए
नजर आएंगे। तो मॉस्को में क्या गृह युद्ध हो जाएगा, छिड़ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को देखते हुए मॉस्को की सीमा को अभी तक यहां पर जो सीमा है उसे बंद कर दिया गया है, यानी कि लेकिन उसके बाद भी हाई अलर्ट है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों से बाहर अगर जरूरत ना हो तो ना निकले। पुतिन की प्राइवेट आर्मी जो पुतिन के सहयोग से यूक्रेन पर हमले कर रही थी, क्योंकि देखिए महायुद्ध समय के साथ और ज्यादा गहरा होता चला गया। पुतिन एक तरफ झुकने को तैयार नहीं रहे, यूक्रेन को तमाम देशों का समर्थन मिला, हथियार दिए गए, जिसमें अमेरिका भी खुलकर सामने आया। उसके बाद भी पुतिन झुकने को तैयार नहीं हुए। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कैसे किए जाएं, इसकी हर बार नई रणनीति बनाई गई। और सबसे प्रमुख तौर पर जो साथ दे रहा था वो वैगनर ग्रुप था, जो अलग अलग जगहों पर यूक्रेन के ठिकानों पर कभी बम बरसा रहा था, गोलियां बरसा रहा था, लगातार यूक्रेन की सेना को, यूक्रेन के तमाम शहरों को, इलाकों को कैसे तबाह किया जाए, इसकी पूरी तैयारी थी। लेकिन अगर अब वही वैगनर ग्रुप विद्रोह कर लेगा तो पुतिन यहां पर कितने ज्यादा खतरनाक जो ये भविष्य में परिणाम है वो हो सकते हैं, उसे समझ रहे होंगे। और इसी को देखते हुए पुतिन ने अपनी सेना को पूरी तरीके से अलर्ट पर कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ है वैगनर ग्रुप के लड़ाके, जो इस बात के लिए तैयार हैं कि कैसे भी स्थिति आ जाए वो झुकने वाले और रुकने वाले नहीं है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन ने गिरफ्तारी उनकी हो सकती है, ये माना है रूस के रक्षा मंत्रालय ने। वैगनर ग्रुप के चीफ का आदेश दे दिया है। साथ ही रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी अलर्ट पर आ चुकी है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, प्रिगोजिन की गिरफ्तारी हो, ये आदेश है। रूस की खुफिया एजेंसी है एफएसबी, वो भी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वैगनर चीफ को अरेस्ट करने की तैयारी है, यानी कि प्रिगोजिन की गिरफ्तारी हो सकती है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ये विगिनी प्रिगोजिन है जो अब यहां से रुकने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रैटेजी को आप समझिए, रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस बात के आदेश जारी कर दिए हैं कि वैगनर ग्रुप के चीफ की गिरफ्तारी यहां से हो जाए, यानी कि ये भी माना जा रहा है अब इस आदेश के बाद कभी भी जो रूस की खुफिया एजेंसी है, चूंकि वो अलर्ट पर आ चुकी है, येवगिनी प्रिगोजिन की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, वैगनर ग्रुप के चीफ येवगिनी प्रिगोजिन, जिनकी ओर से दावा किया गया कि 25,000 लड़ाके अब पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय का ये बड़ा आदेश है और सबसे बड़ा आदेश है कि प्रिगोजिन की गिरफ्तारी हो, और आदेश इसको लेकर जब जारी कर दिया गया है तो ये माना जा रहा है कि चूंकि अब जो खुफिया एजेंसी है वो भी तैयार है, अब प्रिगोजिन की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। विद्रोह के बाद ये गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि विद्रोह किया है येवगिनी प्रिगोजिन ने, जिसे न्याय की लड़ाई बताया है, जिसे ये कहा है हमारे लड़ाके मारे गए तो हम यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं, विद्रोह किया जाएगा, क्योंकि आरोप लगा पुतिन पर, रूसी सेना पर, और उसी रूसी सेना के खिलाफ मोर्चा इस वक्त खोल दिया है। 25,000 लड़ाके पूरी तरीके से तैयार हैं, ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी तक का आंकड़ा ये है कि 25,000 सैनिक मोर्चा संभाल चुके हैं, अपनी जगह ले चुके हैं, और जो भी स्थिति सामने होगी उससे निपटने के लिए तैयार रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अगर दूसरी तरफ पुतिन की तरफ से भी बैठक बुलाई गई है जिसमें ये रणनीति बनाई जा रही है कि इनसे कैसे निपटना है, क्योंकि खबरें वहां पर ये भी बता रही है, जो रूसी मीडिया है वो भी इस बात की पुष्टि कर रही है कि ये लड़ाके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ी खबर ये है कि प्रिगोजिन की गिरफ्तारी हो सकती है, रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से आदेश इस बात का जारी कर दिया गया है, विद्रोह जो किया उसके बाद ये गिरफ्तारी मुमकिन बताया जा रहा है। सबसे बड़ी खबर, महायुद्ध जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पुतिन जितनी बार यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती थी उतनी बार ज्यादा अग्रेशन के साथ कैसे अगला हमला किया जाए इसकी तैयारी हमेशा करते थे। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा साथी रहा वैगनर ग्रुप, जो लगातार अपने लड़ाकों को जंग के मैदान में उतारता रहा, वो वैगनर ग्रुप अब विद्रोही हो गया है। उसी वैगनर ग्रुप ने अब बगावत कर ली है, जिसका कारण ये माना गया कि जो बखमूत में ट्रेनिंग कैंप था उस पर हमला किया गया, हमले का आरोप लगा रूस की सेना पर, और फिर उसके बाद
ये मान लिया गया कि इन लड़ाकों की जो मौत हुई है उसका बदला अब हमारे 25,000 लड़ाके लेंगे जो इस वक्त मोर्चा संभाल चुके हैं। एक बार फिर से इसे अगर जंग का मैदान कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन इस बार जंग रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं हो रही है, इस बार जंग हो रही है वैगनर ग्रुप से रूसी सेना की, जो अभी तक साथ मिलकर लड़ रहे थे, एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन अब एक दूसरे के विद्रोही हैं, एक दूसरे पर ही हमला करने को पूरी तरीके से तैयार हैं, अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो आप देखेंगे कि कैसे एक तरफ ये रोस्तोव जगह है रूस की, जो रूस के लिहाज से काफी अहम है। अब इस चौकी को भी अगर ये पार कर गए तो फिर आप स्थिति को समझिए कि ये लड़ाके कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पुतिन की प्राइवेट आर्मी जो वैगनर ग्रुप थी उसका ये विद्रोह है, सेना मुख्यालय पर कब्जा किया जाए उसका दावा है, और इसीलिए पुतिन इस वक्त जरूर डरे हुए होंगे। लेकिन आपको ये भी बताएं कि यूक्रेन की भी इस पूरे खबर पर, पूरे मामले पर नजर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से ये कहा गया है कि पल पल की जानकारी उन्हें दी जाए। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं, सबसे बड़ा मददगार बनकर सामने आया अमेरिका भी नजर बनाए हुए है। ये भी जानकारी मिली है कि बाइडेन को, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्हें पल पल की जानकारी इस बात की दी जा रही है कि आखिर रूस में इस वक्त चल क्या रहा है, क्योंकि रूसी मीडिया इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि ये वैगनर के लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं, मुख्यालय में भी, जो सेना मुख्यालय है उसमें भी प्रवेश कर चुके हैं, और कुछ लड़ाके उसके बाहर पोजीशन लिए हुए भी नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। अब एक बार फिर से दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, एक तस्वीर में जो लेटे हुए अपनी पोजीशन लेकर आपको नजर आ रहे हैं ये वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं, लेकिन इस बार इनके निशाने पर यूक्रेन की सेना नहीं है, यूक्रेन के शहर नहीं है, यूक्रेन के कोई इलाके नहीं है, इस बार इनके निशाने पर है रूस की सेना, सेना मुख्यालय पर कब्जा करना और जो भी फिर सामने आता जाए उससे बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, क्योंकि इस वक्त बदले की आग में धधक रहा है वैगनर ग्रुप। और इसी का ये नतीजा रहा कि वैगनर ग्रुप के चीफ ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अब 25,000 लड़ाके मोर्चा संभाल ले, मैदान में उतर जाएं और फिर जो भी सामने आ जाए उसकी जवाबदेही खुद की होगी। यहां से वैगनर ग्रुप के लड़ाके रुकने वाले नहीं है, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन इन सबके बीच में एक और जो सबसे बड़ी जानकारी है वो भी आपको बता दें, अब येवगेनी प्रिगोजिन की गिरफ्तारी भी हो सकती है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस बात का आदेश जारी कर दिया है कि अब येवगेनी प्रिगोजिन की गिरफ्तारी हो। अब ऐसे में माना जा रहा है कि विद्रोह के बाद ये गिरफ्तारी संभव है। ये बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है महायुद्ध में। इससे पहले कई तस्वीरें हमने देखी जिसमें कभी ये सामने आया कि यूक्रेन का कोई इलाका तबाह किया गया, कभी ये तस्वीर सामने आई कि रूस के कई इलाकों पर यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, लेकिन अब मैदान में वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं जो पुतिन के लिए मुसीबत का सबब इसीलिए है क्योंकि सेना का तख्ता पलट, सबसे बड़ा डर इस वक्त जो पुतिन का है। और अगर ऐसे में खबर ये है कि सेना मुख्यालय के भीतर भी ये जो लड़ाके हैं वो दाखिल हो चुके हैं, न सिर्फ भीतर बल्कि बाहर भी अपनी पोजीशन ले चुके हैं, यानी कि अगर वहां पर लड़ने के लिए मैदान में सेना उतरती है तो फिर और ज्यादा खतरनाक यहां पर हो सकता है। ये बड़ी खबर है, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है और इसके बीच में वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस की सेना पर बड़े हमले का आरोप लगा दिया है। पुतिन की प्राइवेट आर्मी ने विद्रोह कर दिया है, ये सबसे बड़ी खबर है। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का ये बहुत बड़ा दावा है, एक वीडियो जारी किया गया और उसको जारी करते हुए आरोप ये लगाया कि वैगनर ग्रुप के एक कैंप पर रूस की फौज ने मिसाइल से हमला कर उसे बर्बाद कर दिया, जिसमें वैगनर ग्रुप के कई कमांडर मारे गए। बताया ये भी गया कि हमले के बाद वहां धमाका हो गया और उससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे, रक्षा मंत्रालय की इमारत पर कब्जा कर लिया गया है, ये बड़ी खबर है। रूस के महत्वपूर्ण स्थानों तक भी ये जो वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं वो पहुंच गए हैं। वैगनर ग्रुप की ताकत का अंदाजा इस बात से आप लगाइए कि जब रूस के साथ मिलकर वैगनर ग्रुप के लड़ाके
यूक्रेन पर हमला कर रहे थे, तो यूक्रेन को चाहे कितने भी देशों से मदद मिल रही हो, लेकिन पुतिन पूरी तरीके से आश्वस्त रहते थे कि ये वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं जो सक्षम है ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में। अब लेकिन यही वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं जो इस वक्त हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये आपको अपनी पोजीशन लिए हुए यहां पर नजर आएंगे। ये वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं जो जंग के मोर्चे पर इस वक्त डटे हुए हैं, लेकिन इस बार सामने रूस है, रूस की सेना है और सेना का मुख्यालय है जहां पर कब्जा करना है। हालांकि दावा यह है कि अंदर दाखिल हो चुके हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए अपने आप में पुतिन के लिए सबसे खतरनाक तस्वीर है, क्योंकि पुतिन जो शायद कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आरोप लगाया वैगनर ग्रुप के चीफ ने कि पुतिन ने उनके ट्रेनिंग कैंप पर हमला करवाया, रूसी सेना ने उनके ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया जिसमें न जाने कितने लड़ाके मारे गए, और उसी का ये विद्रोह है, उसी का ये बदला है जिसके बाद वैगनर ग्रुप की बगावत देखने को मिली है। ये तस्वीरें देखिए हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं, एक बार फिर से आप देखेंगे ये जो आपको नीचे ये लेटे हुए अपनी पोजीशन लिए हुए लड़ाके नजर आ रहे हैं, ये वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं और इनकी संख्या बताई जा रही है 25,000 है जो इस वक्त मैदान में डटे हैं और पूरी तरीके से मोर्चा संभालने को तैयार नजर आ रहे हैं।